मैं डॉक्टर साकेत सोनी हृदय रोग विशेषज्ञ रांची। अभी सर्दियों के सीजन में स्पेशली नॉर्थ इंडिया में हार्ट अटैक होने का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है और डे टू डे ओपीडी में भी लोग देख रहे हैं कि इस तरीके के पेशेंट्स में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। सर्दियों में हार्ट अटैक बढ़ने का मुख्य कारण है धमनियों का सिकुड़न, जिसको कि हम लोग स्पैजम बोलते हैं। हार्ट की जो धमनी होती है उसमें सिकुड़न आता है तो उससे हृदय के ब्लड सप्लाई में कमी हो जाती है, साथ में हमारा बीपी भी काफ़ी सूटअप हो जाता है, जिससे कि हार्ट अटैक का रिस्क काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। सर्दियों में हार्ट अटैक से आसानी से बचा जा सकता है, स्पेशली आप जो है अगर मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट इवनिंग में नहीं जाएं, जब धूप निकल जाए तभी जाएं, धूप में अवश्य बैठें, खान पान का विशेष ख्याल रखें और जो कपड़ा पहनते हैं उसको कोशिश करें कि लेयर्ड बने, सिंगल लेयर्स नहीं मल्टीपल लेयर्स के क्लोथ्स हों तो ज़्यादा बेटर है। और जो भी आपके डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की जो भी मेडिसिन है उसको रेगुलर लें और जो भी आपके कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनका नंबर आप जरूर स्टैंड बाई में रखें। अगर आपको किसी तरह की परेशानी होती है जैसे कि सांस में दिक्कत, चेस्ट पेन होना या पसीना आना, तो इमीडिएटली हमसे कॉन्टेक्ट करें और जो भी सेंटर है कार्डियक सेंटर है वहाँ पे इमीडिएटली जाएं। धन्यवाद।